तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दो AI बेस्ड इंडिकेटर, फ्री इंडिकेटर, जो आपकी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। आप राइट टाइम पे राइट ट्रेड ले सकते हो और राइट डायरेक्शन में ले सकते हो। आपकी एक्यूरेसी के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी वीडियो के बाद। तो ये बिल्कुल फ्री है, आप यूज कर सकते हो काफी अच्छे तरीके से, कितना भी यूज कर सकते हो। दोनों का कॉम्बिनेशन आप कमाल का है। तो आइए चलते हैं वीडियो में बिना किसी देरी के। तो आज हम समझेंगे कि कैसे AI इंडिकेटर की मदद से हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, साथ साथ उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये दोनों इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं, उसके बाद कैसे सेटिंग करना पड़ती है। हम आपको क्या करना है, सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे साइन अप करना है विद मेल। देन यहाँ पे मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। मैंने यहाँ पे सर्च किया इंडिकेटर में ऑप्शन में जाके AI। देन यहाँ पे आपको आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AI इनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे सिंपली आपको इसे यूज करना है। देन मैंने अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम यूज कर रखा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसने AI मेरे लिए बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो दिन पहले सिग्नल आ गया था कि सेल MIT, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे भी आप अच्छा प्रॉफिट बनाते, यहाँ पे भी अच्छा बनाते, यहाँ पे भी अच्छा बनाते। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे भी सेल हुआ, उसके बाद हमें लगभग 100-200 पॉइंट की नीचे की साइड रेट देखने को मिली है, डाउनफॉल देखने को मिला है निफ्टी में। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे बाय दिया था सिग्नल, बाय क्रिएट हुआ था, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रैली ऊपर की साइड देखने को मिली। ये मेनली AI इंडिकेटर जब शो करता है, जब वहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनता है, साथ साथ ये RSI भी यूज करता है, तभी आपको देखने को मिला होगा कि हर जगह नहीं है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी इंगल्फिंग बन रहा है, बट यहाँ पे इसने सेल सिग्नल क्रिएट नहीं किया। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने वन मोर RSI इंडिकेटर डालता हूँ मैं, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। अब मैंने यहाँ RSI डाला है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अवर सोल्ड हुआ तो ये इसने सेल सिग्नल क्रिएट किया, यहाँ पे अवर बोर्ड जोन हो गया तो यहाँ पे इसने सेल सिग्नल क्रिएट किया। के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ओवरबोर्ड जोन था तो सेल सिग्नल क्रिएट कर रहा था। अगेन आप देखोगे यहाँ पे बाय सिग्नल का कहाँ पे है, यहाँ पे भी ओवरबोर्ड तो सेल सिग्नल। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओवरबोर्ड जोन था तो यहाँ पे बाय सिग्नल क्रिएट हुआ। अब बात करते हैं अपन ये दोनों को यूज करता है। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाके समझ में आ जाएगा कि RSI लेंथ मांग रहा है 1470 ओवरबोर्ड जोन ओवरसोल्ड जोन, तो यहाँ पे आप 80-20 भी कर सकते हो, बट 70-30 जो उसके डिफॉल्ट सेटिंग है वो काफी अच्छी है। तो आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है कलर अलग, सिंपली अब आपको यूज करना है इसे डेली के लिए, क्योंकि आप डेली अगर स्केल पर हो तो आप कैसे यूज कर सकते हो, या स्विंग आपको ट्रेड करना है तो कैसे आप यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली डेली टाइम फ्रेम से आपको आना है 45 मिनट पे, क्योंकि 45 मिनट पे भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है और काफी हमें ज्यादा एक्यूरेसी से हमें अच्छे सिग्नल मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो, सेल सिग्नल क्रिएट हुआ, ओवरबोर्ड जोन था, वहां पे हमने बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट देखी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इसने सेल सिग्नल क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला, यहाँ पे बाय सिग्नल क्रिएट किया, यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली, यहाँ पे भी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखोगे आउट ऑफ 10 ये 7 to 8 सिग्नल सही देता है, बिल्कुल करेक्ट देता है। चांसेस आपकी एक्यूरेसी में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मान लो आपका सेटअप बन रहा है कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ उसी टाइम पे इसने सेल बाय सिग्नल क्रिएट दे दिया, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि नहीं भैया, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन भी है, मेरा पैटर्न भी बन रहा है, साथ साथ AI भी मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो आप वो ट्रेड में ले सकते हो और उसमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सकते हो, और अच्छे खासे आपको ऑप्शन बाइंग में या फिर फ्यूचर में यहाँ पे मिल जाएंगे। ये खाली इंडेक्स में नहीं है, आप स्टॉक में भी इसे काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, किसी भी स्टॉक में, ठीक है, मेनली उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब आता है सेकेंड इंडिकेटर, जो आप इसके साथ आप यूज करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब चांसेस एक्यूरेसी आपकी के बाद आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मान लो अभी 70% है, उसके बाद आपकी 85-90% एक्यूरेसी हो जाएगी AI की। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सेकंड इंडिकेटर के क्या करना है, इसको RSI को यहाँ पे डिलीट करना है। इंडिकेटर में यहाँ पे आपको सर्च करना है मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग पे बेस्ड इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मशीन लर्निंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आपको क्लिक करना है, और इसे आपने ट्रेडिंग पे एड करना है फ्री में। जैसे एड हो गया तो यहाँ पे आपको ये बाय एंड सेल सिग्नल दिखा रहा होगा हर जगह, बट यहाँ पे काफी ज्यादा ये बाय एंड सेल सिग्नल दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसकी कुछ सेटिंग चेंज करनी है, सेटिंग पे आना है मशीन लर्निंग की, और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल्टर सिग्नल बाय, तो यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी कर सकते हो आप, तो वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो सेल बाय सिग्नल बताएगा। बट मैंने यहाँ पे वॉल्यूम और वोलेटिलिटी दोनों कर दिया, यहाँ पे बोथ कर दिया और सिंपली इसे ओके कर दिया। तो अब ये वही बाय एंड सेल सिग्नल देगा जहाँ पे वॉल्यूम बन रहा होगा, और यहाँ पे चांसेस ज्यादा होंगे ऊपर या नीचे जाने के। अब आपको
आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट इंगल्फिंग कैंडल वाला एआई है इसे और इसे मैच करना है, जहां पे ये दोनों सिग्नल देते हैं वहीं पे आपको एंट्री करना है, तो वहां पे आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं और साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एआई इंगल्फिंग कैंडल में भी इंडिकेट किया हमें सेल का, यहाँ पे मशीन लर्निंग वाला इंडिकेटर ने भी हमें सिग्नल दिया सेल का, तो यहाँ पे हमें 50-70 पॉइंट की डाउन साइड मार्केट जाता हुआ दिखा। अब सेकंड चलते हैं हम यहाँ पे, सेकंड बार देखते हैं हम यहाँ पे सेल एमआईटी भी सिग्नल दिया यहाँ पे और मशीन लर्निंग ने भी यहाँ पे सिग्नल दिया सेल का, तो उसके बाद हमें लगभग 250 पॉइंट की डाउन साइड रैली देखने को मिली हमें निफ्टी में, दो बार हो गया। आप तीसरी बार देखते हैं हम यहाँ पे भी यहाँ पे ज्यादा पॉइंट नहीं मिले हमें, बट यहाँ पे भी हमें डाउन साइड एक मार्केट पोफ लेता दिखा। सेकेंड यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे सेल एमआईटी आया एंड इसने भी इंडिकेट किया सेल करने का, के बाद हमें मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो आप देखोगे कि आउट ऑफ 100 80-85 आपकी ट्रेड सही होने के चांसेस हैं, अगर आपने इन दोनों इंडिकेटर को काफी इफेक्टिवली यूज किया। तो मैंने आपको दोनों की सेटिंग बताई दी है, अब मैं बात करता हूँ कि ये डेली टाइम फ्रेम में और 45 मिनट में काफी अच्छा वर्क करता है, 15 मिनट में काफी अच्छा वर्क करता है, बट अगर इसके टाइम फ्रेम जितना ज्यादा बढ़ाओगे इतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी इसकी दोनों एआई टूल्स में। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमने बाय तो कर लिया, अब हमें एग्जिट कहाँ पे करना है, तो एग्जिट करने का भी सोल्यूशन मेरे पास है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर में जाके ईए में सर्च करना है, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हेल्प लेंगे जिससे आप ये एग्जिट टाइम पे कर सको। अगर आपने बाय कर दिया है उसके बाद आप प्रॉफिट बुकिंग ही टाइम पे नहीं कर पाए तो अगेन वो ट्रेड आपके अपोजिट चला जाएगा कुछ ही टाइम में, तो आपको एग्जिट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली ईएमए पे जाना है, आपको इसकी सेटिंग में 9 करना है एंड ओके करना है। देन आपको जैसे यहाँ पे सेल एमआईटी क्रिएट हुआ राइट, और मशीन लर्निंग ने भी हमें ये सिंबल दिया कि यहाँ से आप सेल कर सकते हो, आपने सेल किया, आपने एसएल लगाया जस्ट उस कैंडल के हाई के ऊपर का 5 या 10 पॉइंट आप ऊपर ले सकते हो, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवरेबल होगा, थोड़ा आपको एसएल ऊपर लेना है के बाद आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो, क्वांटिटी साइज जो भी आपको रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी साइज डिफाइन कर सकते हो, देन आपको ट्रेड प्लेस करना है। उसके बाद आपको एग्जिट कहाँ करना है, जहां पे बहुत ध्यान से सुनना आप ये बात, जहां पे भी हमें ये ट्रेड हुआ यहाँ पे भी 9 EMA, जैसे यहाँ पे हमने सेल किया 9, जैसे ही ग्रीन कैंडल ने 9 EMA को क्रॉस किया ऊपर की साइड, देन हमारा ट्रेलिंग ऐसे लेट हो जाएगा, जैसे ही ग्रीन कैंडल ने 9 EMA को क्रॉस किया तो हमारा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाएगा। बाइंग की साइड अपोजिट है, बाइंग की साइड भी हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे बाय MIT क्रिएट हुआ तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे, सॉरी आपको वहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे देखना है, मतलब 45 मिनट की कैंडल 9 EMA को क्रॉस करना चाहिए नीचे की साइड या ऊपर की साइड, तभी हमारा ट्रेडिंग ऐसे लीड होगा। जैसे यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिल गया AI के थ्रू भी, मशीन लर्निंग के थ्रू भी, देन हमने इसे राइट किया, हमें लगभग 18,100 थे 400, लगभग 300 पॉइंट की रैली मिल गई, देन यहाँ पे क्लियरली इस कैंडल ने 45 मिनट की कैंडल ने इसे क्रॉस कर दिया, देन हमारा ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया, देन उसके बाद जंप भी मारा बट एट द लास्ट प्राइस नीचे चला गया, तो हमें इतना ही राइड लेना है, हमें ज्यादा बड़े बड़े ट्रेड नहीं लेने, हमें 100-200 पॉइंट की भी हमें रैली निफ्टी में दिख जाए या बैंक निफ्टी में भी 100-200 पॉइंट का मुंह दिख जाए या 400 पॉइंट का मुंह दिख जाए, तो ये दोनों अच्छे हैं। तो मेनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काफी अच्छा वर्क करेगा ये आपके लिए, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो या एक ऑप्शन सेलर हो, साथ साथ ही स्टॉक में भी काफी अच्छा वर्क करना। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बाय सिग्नल क्रिएट हुआ बट AI ने बाय नहीं दिया, तो यहाँ पे हमने बाय नहीं किया। इसमें और एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ आपको, जैसे कल कहीं कहीं इसमें जहाँ पे आपको गलत भी हो गया बहुत सारे ट्रेड में, यहाँ पे जैसे सेल MIT क्रिएट हुआ तो यहाँ पे आपका लगभग ऐसे आ चुका था, उसके बाद ये नीचे गया। और हम देखते हैं इसमें जहाँ पे हमें ऐसा सिग्नल मिला है राइट, ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी गलत हुआ, सेल MIT मशीन लर्निंग में सिंबल दिया बट यहाँ पे हमने SL ऊपर का रखा था, बट इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने 9 EMA को क्रॉस कर दिया ऊपर की साइड, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेलिंग ऐसे लीड हो गया। तो कहीं कहीं पे आपको मेन वन मोर थिंग आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है अप ट्रेंड में तो आप वहाँ पे बाय ही ट्रेड लेना प्रेफर करो, तो ज्यादा आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। अगर आप मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप वहाँ पे सेल ट्रेड लेना प्रेफर करो, तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक बड़े बड़े फ्लो के साथ चल रहे हो तो चांसेस वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। 100% एक्यूरेसी किसी चीज की भी नहीं रहती, बट आपको टाइमिंग करना आना चाहिए, मार्केट को आपका सेटअप बन रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है, आपका आपने पैसे को अच्छा मैनेज कर रखा है, या आपको कितना मालूम है कितना इस ट्रेड में लगाना है, तो आप हर एक इंडिकेटर काफी अच्छा वर्क करता है और आप हर किसी से
पैसा बना सकते हो। तो आई होप आपको दोनों इंडिकेटर समझ में आए होंगे। अगर आप ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में चाहते हो जहाँ पे मैं AI बेस्ड वीडियो बनाऊँ आपके लिए, कि आने वाले टाइम फुल ऑफ AI ये आपको मालूम है, तो ऐसे कुछ क्रिएट का हम मिलकर क्रिएट कर सके ताकि हमें ज़्यादा किसी चीज़ों में इंटेंगल नहीं होना पड़े, वो अपने सारा चीज़ AI अपने आप मैनेज कर ले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो एंड नीचे कमेंट में भी कर सकते हो आपको क्या पसंद आया इसमें और आपका बेस्ट इंडिकेटर क्या है और ये दोनों इंडिकेटर आपको पसंद आए या नहीं आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।